इसराइल की एजेंसियों ने जब हमास के जिंदा पकड़े गए आतंकियों से गहराई से पूछताछ की तो सभी हैरान रह गए। हमास के आतंकियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे ये आतंकी जंग नहीं बल्कि जंग का धंधा चला रहे हैं। दिखाते हैं आप। الشبورة رفع. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملها؟ اقتحام موقع صوف العسكري. وغير الموقع في كمان كانت مهمة؟ في بوتس وما رحنا الأصل روح يعني بعد بيومين بيوم أو يومين زي هيك. ومدنيا في ذاك الوقت؟ هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال. قتل الرجال يعني المدنيين؟ الشباب مدنيين؟ ماذا مدني عسكري؟ المنع عن يعني النبي قال لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا طفلا لا تعقروا امرأة زي فاهم عليك؟ الدين ما بحث على التشويه والتنكيل يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت ايش الفرق بين هذا العمل لبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. दो हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, हमास इजराइल की जंग और ज्यादा भीषण होती चल रही है, लेकिन हमास आतंकियों ने पूछताछ में इजराइल के अधिकारियों को यह बताया कि उन्हें हर काम का रेट पहले बताया गया था। दरअसल छोटे बच्चों को मारने पर कितने पैसे मिलेंगे, महिलाओं की किडनैपिंग यानी कि अपहरण पर क्या इनाम मिलेगा और पुरुषों की हत्या पर आखिर कितने डॉलर मिलेंगे, तो इन सबका जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था और सबका रेट कार्ड हमास की ओर से पहले ही उन्हें दे दिया गया था। شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ سيطرة ايش؟ مركز فين؟ شو تعملوا في اللي موجودين؟ هو تسيطر عليهم تقتل يعني. اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول فصيل من قائد السرية قال له اخطف لي. دخلنا كان الصبح في داخلين نخبه وبعديها كمان نخبه داخلين، احنا كان داخلين ناخذ أسرة ونقعد البيوت. سلامة بالبيت وقت التقينا جمعنا عنده. شقة منزل بيت $10,000. مين قالكوا اياها هاي؟ كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي واقف القسام قالكوا كل وهذا هيك هذا في القرآن هيك بقول الإسلام. قتل هذا كله شو اللي صار؟ مضحوك علينا احنا منه. مغرر فينا ومضحوك علينا منه. من مين مضحوك عليكم؟ شو هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. أنا هم اللي في قطر ولا في تركيا. وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غاد وبعت لنا هنا. مين هذا اللي في موجود في قطر؟ القيادة تاعت حماس. مين هم؟ اسمعين هنية خالد مشعل. इसराइल जंग के बीच तुर्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि इसराइल एक आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है, वो मानवता के खिलाफ काम कर रहा है। एर्दोगन का इशारा गाजा पर इसराइल के हमले की ओर था। तुर्की का यह बयान काफी मायने रखता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एर्दोगन ने ही इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी और अब वो ये कह रहे हैं कि इसराइल एक आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन की तरह इसराइल इस वक्त काम कर रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल जंग के बीच तुर्की का यह बयान काफी अहम है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि इसराइल इस वक्त एक आतंकी संगठन की तरह पेश आ रहा है।